सनातन धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का एक विशेष महत्व है और यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन के एक भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया पड़ने के चलते दुविधा की स्थिति है कि राखी किस समय बंधवाना या बांधना उचित रहेगा, क्योंकि भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस बार यह त्यौहार 30 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इसी दिन पर्व पर भद्रा का साया भी है। ऐसे में ज्योतिष आचार्य गंगाधर बलूनी के अनुसार शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाना उचित रहेगा। पूर्णिमा 30 अगस्त को 10:59 पर शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त सुबह 7:06 तक रहेगी, लेकिन 30 अगस्त को भद्रा का प्रभाव भी रात 9 बजे तक रहेगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। लेकिन विवाद ही आम व्यक्ति बना रहा है। धर्मशास्त्र ने, निर्णय सिंधु ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि रक्षाबंधन के लिए एक बात बहुत आवश्यक है। पहले सिद्धांत आता है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में कभी भी आपका यानी द्वेन कर्तव्यो श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होली का, होली के पर्व को और रक्षाबंधन के पर्व को कभी भद्रा में नहीं मनाना चाहिए। अति आवश्यक स्थितियाँ हों, कोई अति आवश्यक स्थितियाँ हों तो आप इसे भद्रा के जो कुछ काल है उसमें आप कर सकते हैं। कुछ काल 30 यानी भद्रा हमारी रक्षाबंधन 30 तारीख को ही स्पष्ट है। 31 तारीख की भ्रांति बिल्कुल न पालें, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा में जो प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा होती है उसमें करने में दोष होता है।